तो हे गाइस वेलकम बैक द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, जो भी लोग इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो बनाते हैं उनके लिए। गाइस तो मेरे को वीडियो भेजते हैं यार बहुत सारी, मतलब पूछते हैं कि ये लड़की जो वीडियो बनाती है जिसका नाम जोया जान है, ये मतलब ट्रांजिशन वीडियो कौन से एप्लीकेशन से एडिट करती है ज्यादातर, जिससे मतलब इनकी वीडियो मतलब इतनी परफेक्ट स्मूथ ट्रांजिशन होता है, ठीक है सब कुछ। तो मैं बताऊंगा कौन से एप्लीकेशन से एडिट करती है एंड मैं यार अपनी वीडियो मतलब एडिट करूंगा पूरी इनके जैसी शूट करके, पूरे एडिट करूंगा स्लोमो सेक इफेक्ट और सॉन्ग मैच वैच करना सब कुछ करूंगा गाइस, पूरी मतलब वीडियो को शूट करूंगा एंड फिर एडिट करूंगा, ठीक है। तो पूरा इस वीडियो को देखना एंड तक, आपको तभी पता चलेगा कैसे आप इनके जैसी वीडियो एडिट कर सकते हो ट्रांजिशन वाली, ठीक है। एंड ट्रांजिशन क्वीन कहते हैं मतलब इनको, ठीक है। तो पता ही होगा आपको, मेरे को मतलब बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी थी, तो मैंने सोचा यार बना देता हूँ एक वीडियो जिसमें आपको पता चल जाएगा कैसे मतलब आप वीडियो को शूट करके एडिट कर सकते हो ट्रांजिशन वाली, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देख लेना एंड मैं बता देता हूँ पहले ये मतलब कौन से एप्लीकेशन से ज्यादा वीडियो एडिट करते हैं शॉर्ट वीडियो। अभी पहले काइन मास्टर से करते थे, बट अभी एक नया एप्लीकेशन आ गया है VN, उसमें ही गाइस ये सारी वीडियो एडिट होंगी। बट कुछ लोगों को VN एप्लीकेशन सही से चलाना नहीं आता है, तो मैं बताऊंगा कैसे इसमें मतलब आपको ट्रांजिशन मैच करना है और सॉन्ग मैच करना है लिपसिंग के साथ एंड सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। VN एप्लीकेशन से एडिट करना बताऊंगा, ठीक है, जिनको मतलब अभी चलाना नहीं आता वो एप्लीकेशन, तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो हम पहले वीडियो शूट कर लेते हैं अपनी एंड फिर मैं आपको बताऊंगा VN एप्लीकेशन के अंदर कैसे अपनी वीडियो को एडिट करना है, फुल एडिट कैसे करना है, स्लोमो वगैरह सब कुछ पता चलेगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो चलो हम अपनी वीडियो को शूट कर लेते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले दो फोन की जरूरत पड़ेगी, एक फोन में आपको अपना साउंड प्ले करना है जिस भी साउंड पे आप वीडियो बना रहे हो। तो मैं ऐसे ही करता हूँ गाइस, आप उस वाले दूसरे वाले फोन में गाइस मतलब उस वाले साउंड को प्ले कर देना जिस भी साउंड पे आप वीडियो बना रहे हो, और अपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो को शूट करना है। तो मैंने अपने दूसरे फोन में गाइस मतलब रील्स वीडियो चला दी है वही वाली जिस भी साउंड पे हम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना आप जिस भी मतलब साउंड पे आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो उस वीडियो को पहले लोड कर लेना क्योंकि उसमें साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने दूसरे फोन में अपना प्ले कर दिया साउंड एंड मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूं, यहां पे देख सकते हो ट्रांजिशन वाली। एंड यहां पे मैंने हैंड वाला ट्रांजिशन किया है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड आप किसी भी टाइप का ट्रांजिशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया एंड कपड़े वपड़े चेंज करने हैं एंड दूसरी वीडियो आपको शूट करनी है गाइस। बिल्कुल भी कैमरा नहीं हिलना चाहिए, मतलब वहीं पॉज कर देना, आप किसी से कह देना पॉज कर दो, लेकिन कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, एक ही वीडियो में दोनों वीडियो शूट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे देखो पॉज कर दी थी एंड कैमरा हिल जाएगा तो आपका मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, आपका फिर ट्रांजिशन सही नहीं होगा। तो मैंने देखो दूसरी वीडियो भी यहाँ पे शूट कर ली है एंड आप एक्टिंग कर लेना सही से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो शूट कर ली एंड चलो आपको जरूरत पड़ेगी VN एप्लीकेशन की, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में, इसमें वाटरमार्क भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मैं अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पे, इसी से गाइस वो अभी मतलब वीडियो एडिट करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐप है। एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो को यहाँ पे ले लेना है जो भी आपने वीडियो शूट की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो वीडियो को ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो वीडियो ले लिया है एंड मैं सबसे पहले गाइस इस वीडियो को इधर की साइड में रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मिरर पे एंड मैंने इसको इस इधर की साइड में कर लिया, ठीक है। अब गाइस इसको आपको सबसे पहले कट करना है जहाँ से भी आपका वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक मिनट, तो ये मेरा वीडियो यहाँ से हो रहा है शायद, तो गाइस मेरा वीडियो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब इसको कट कर दूंगा, एक मिनट थोड़ा सा इधर को हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे जाता हूँ इस लिफ्ट पे और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ एंड इधर का वीडियो जो है मेरा फालतू है तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मेरा वीडियो प्ले हो रहा है। ओके, तो मैंने इस तरीके से किया एंड अभी मैं सबसे पहले इसमें साउंड भी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मैच करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडजस्ट पे, एक मिनट देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है टैप टू ऐड म्यूजिक पे एंड एडजस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एडजस्ट वीडियो पे क्लिक करना है और उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना पहले ही,
जिस भी साउंड पे आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो मैंने उस वाला साउंड वाली वीडियो पहले डाउनलोड कर ली है इसकी, एंड मैं इस वाली वीडियो को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस साउंड को इस पे लगा देता हूँ। देखो मैंने लगा दिया है। अब इसके साउंड को आप म्यूट कर देना, यहाँ से अपनी वीडियो के साउंड को म्यूट कर देना। ओके, म्यूट कर दिया। ओके, तो मैंने इसको म्यूट कर दिया। अब आप मैच करते रहना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके साउंड को एक मिनट थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा। तो मैंने कम कर लिया है। अब देख लेते हैं, यहाँ से मैं मैच कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ट्रांजिशन देख लेता हूँ कहाँ पे मुझे अपनी रोकनी है, ठीक है। एक मिनट इसके साउंड को कर देता हूँ म्यूट। ओके, एंड गाइस, अब आपको अपनी ट्रांजिशन वीडियो एडिट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आप अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले तो यहाँ पे फिल्टर वाले में जाना, एंड यहाँ पे आप अपनी वीडियो को मतलब एडजस्ट कर लेना कलर वलर थोड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर वलर एडजस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। तो मैं कॉन्ट्रेस्ट बढ़ाता हूँ एंड थोड़ा एडजस्ट कर लेना सही तरीके से, जिससे आपकी वीडियो मतलब अच्छी आए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ओके, तो मैंने ये थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रेस्ट और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर लेना गाइज, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो मैंने ये एडजस्ट किया और थोड़ा मैं और बढ़ा देता हूँ यहाँ से ये। ओके, तो आप एडजस्ट इसको ज़रूर से करना, क्योंकि अपनी वीडियो को कलर वाला एडजस्ट करने ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो यहाँ से देखो मैंने एडजस्ट कर लिया, अभी थोड़ा सही नहीं हुआ है। तो कोई सा फ़िल्टर चाहो तो फ़िल्टर आप लगा सकते हो, मैं ये वाला लगा देता हूँ। एंड ये मैंने अभी एडजस्ट कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे हम चलो अपनी वीडियो को अब ट्रांजिशन वाली एडिट करते हैं, उसके बाद में साउंड मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से हैंड को किया ये, एक मिनट, ये एक मिनट, थोड़ा सा आप वहीं पर रोकना जहाँ पे हैंड को ऊपर कर रहा हूँ मैं, मतलब आप जिस भी टाइप के ट्रांजिशन कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से हैंड को किया है। ओके, एंड मैं इसको स्लीप टेट प्ले हेड कर दूंगा यहाँ से कैंची वाले आइकन से, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया इसको स्लीप टेट प्ले हेड। एंड अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जाऊँगा गाइस, वहीं से करूँगा जहाँ से मैंने इस तरीके से हैंड को किया था ना, वहीं पर आपको रोकना है, ठीक है। देखो आपका पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये एक मिनट, ये ठीक है, तो ये मैच करते हैं। तो यही तो ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो इसको मैच कर लेना आप ठीक से, ये ठीक है। तो ये एक मिनट, थोड़ा मैच करना अच्छे से गाइस, ठीक है, ताकि आपकी वीडियो अच्छी बन पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, एंड इसको मैं स्लीप टेट प्ले हेड कर देता हूँ। ओके, एंड बीच की वीडियो बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं। एंड हम अभी इसको प्ले करके देख लेते हैं ट्रांजिशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है एकदम से, देख सकते हो ये, जैसे ये देख सकते हो बिल्कुल, मतलब अभी और प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो एकदम से, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने हैंड को किया ये चेंज हो गया, देख सकते हो, मतलब बहुत ही कमाल का ट्रांजिशन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये मतलब मैंने ट्रांजिशन मैच कर लिया। अब हम साउंड को मैच कर लेते हैं, यहाँ पे बीट के हिसाब से साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसका थोड़ा साउंड ऑन कर देता हूँ एक मिनट, और हम देखते हैं एक मिनट। तो साउंड अभी मैच नहीं हुआ है गाइस, ठीक है, क्योंकि साउंड मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो साउंड को आपको मैच करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इसको थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे पीछे करके कर लेता हूँ, मेरा साउंड मैच हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो गाइस देख सकते हो मेरा साउंड भी यहाँ पे मैच हो गया है। तो इसी तरीके से आप आगे पीछे करके थोड़ा सा साउंड मैच कर लेना इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ही पड़ता है गाइस, आपकी वीडियो मतलब सही बन जाएगी। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा और करके साउंड मैच, आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना और आपका साउंड मैच हो जाएगा। देखो तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरा साउंड मैच हो चुका है। एंड अब गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी वीडियो में स्लोमो वगैरह डालना है। तो ये मैं करता हूँ एक मिनट, तो अब मैं स्लो मोशन डालता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, एंड जितने भी बीच में आपको स्लोमो डालना है उतना पार्ट आपको इस तरीके से कट करना है। ये मैंने कट किया, एंड मैं स्पीड वाले पे जाता हूँ, इसकी स्लो कर देता हूँ, ठीक है, स्पीड को।
तो आप भी कर देना। ये तो मैंने शुरू कर दिया, अब देखते हैं प्ले करके। तो ये मैंने किया, अब मैं यहाँ पे फास्ट लगा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा बीच में फास्ट लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे फास्ट सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कट कर देते हैं एंड इसमें हम लगाते हैं फास्ट। ठीक है, तो ये मेरा फास्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्ले करके। ठीक है, तो ये मैंने फास्ट कर दिया, अब यहाँ पे मैंने बीच में फास्ट कर दिया था। अब मैं अब जाता हूँ थोड़ा लास्ट में, लास्ट का सीन लगा देता हूँ, एक मिनट, ये वाले सीन लगा देते हैं। ठीक है, तो आपके थोड़े बहुत सीन कर लेना इस तरीके से, मैंने ये करा, देखो जैसे कि। ठीक है, तो ये वाला सीन मैं इसमें ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। आप भी इस तरीके से मतलब कर लेना क्योंकि सीन अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें स्लोमो कर लेता हूँ सबसे पहले, तो एक मिनट, स्पीड पे आते हैं। जैसे जैसे कर रहा हूँ गाइस वैसे करोगे तो आपकी वीडियो सही बनेगी बिल्कुल। तो मैंने ये करा, अभी देखते हैं, एक मिनट, पहले मैं एडिट कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, उसके बाद में आप देख लेना वीडियो कैसी बनेगी। एक मिनट, स्लो तो हो जा। ठीक है, तो ये ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो स्लो कर लिया, एक मिनट, ओके। तो मुझे इतना ही जरूरत है गाइस। ठीक है, तो मैं इतना बाकी जितना ही वीडियो है ना, तो मैं उसको यहाँ पे कट कर देता हूँ और इसको डिलीट मार देता हूँ। ओके, मैंने डिलीट मार दिया अब इसको, ओके। एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मिनट, और इसमें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे बीच में कोई सा इफेक्ट्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला इफेक्ट्स लगा दिया और अब देख लेते हैं प्ले करके एक बार सॉन्ग के साथ। ठीक है, तो सॉन्ग के साथ देखते हैं इस बार प्ले करके। शुरू से तो गाइज वीडियो तो काफ़ी कमाल का बन चुका है, बट इसमें अभी साउंड थोड़ा ठीक से मैच नहीं हुआ है, तो गड़बड़ लग रहा है शायद। मैं अभी प्ले करके देखता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है गाइज, थोड़ा सा हो रहा है बस, ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा कर लेते हैं सेट। तो गाइस काफ़ी कमाल का वीडियो बनके रेडी हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो ट्रांजिशन वाला, इसी टाइप की वीडियो मतलब मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो, मतलब काफ़ी कमाल का वीडियो एडिट हो चुका है, अभी बिल्कुल कमाल का वीडियो एडिट हो चुका है। अब गाइस अगर इसमें आपको शेक वेक इफेक्ट भी डालने हैं तो देखो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वीडियो में शेक इफेक्ट यहाँ पर भी डालना है ना, तो यहाँ पर एफेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट मिल जाएंगे। तो इनको डालने के लिए आपको जस्ट इस पर बस क्लिक करना है इस तरीके से एंड आप इस पे इसमें से एक इफेक्ट डल जाएगा, देखो इस तरीके से, ओके। एंड इसमें से एक इफेक्ट डालना है तो इसमें भी आप डाल सकते हो, आप कट बना लेना जितने भी आप से एक इफेक्ट डालना चाहते हो, ठीक है, उतने कट बना लेना और ये इस तरीके से आप इसमें से एक इफेक्ट वगैरह जो भी चाहे वो डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं ये डाल लिया एंड अभी चलो मैं देखता हूँ प्ले करके। तो गाइस देख सकते हो स्क्रीन पे वीडियो कितनी कमाल की बनके रेडी हो चुकी है एंड अभी आपकी वीडियो बिल्कुल कमाल की बनके रेडी हो चुकी है बिल्कुल, और कैसी वीडियो बनानी है। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ इसमें समझा दिया है, देखो कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है, मतलब सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 1080p में इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड कर देना है। देखो यहाँ पर यस पे डन पे क्लिक कर देना एंड आपकी वीडियो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है, वीडियो एडिट हो चुकी है एंड एक्सपोर्ट हो रही है फुल HD में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड
शेयर जरूर कर देना यार, वीडियो को शेयर जरूर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, सबकी हेल्प हो पाए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरी ये सारी वीडियो जितनी भी मैं बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे जरूर डालता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स पे, तो वहाँ पे जाके मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। एंड आप चैनल पे नए हो यार तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दो एंड सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी को जरूर से ऑल पे क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।